बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह जम्मू में रैली के दौरान पीडीपी से गठबंधन तोड़ने पर बोले। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लिए सरकार मायने नहीं रखती है, जम्मू कश्मीर का विकास जरूरी है। उन्होंने कहा कि गठबंधन सरकार में कश्मीर में शांति बहाली नहीं हुई। अमित शाह ने कहा कि महबूबा सरकार में जम्मू और लद्दाख के साथ भेदभाव हुआ, केंद्र के फंड का इस्तेमाल नहीं हुआ। गुलाम नबी आजाद के कल के बयान को लेकर अमित शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आजाद के बयान का लश्कर समर्थन करता है। राहुल बताएं कि कांग्रेस और लश्कर के विचारों में क्या संबंध है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 65वें बलिदान दिवस पर अमित शाह ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पूरे देश में कश्मीर के लिए आंदोलन किया और बलिदान दिया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की जेल के अंदर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या कर दी गई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर को खून से सींचा। पूछना चाहता हूं कांग्रेस अध्यक्ष जी को, श्रीमान राहुल गांधी जी को, कि आपके विपक्ष के नेता के बयान को लश्कर ए तोयबा समर्थन कर रहा है। 21 प्रकार का फ्रीक्वेंसी मैचिंग लश्कर ए तोयबा और कांग्रेस के बीच में है। देश की जनता को जरा आप बता दीजिए, ये कौन सा रिश्ता है जो लश्कर ए तोयबा और गुलाम नबी आजाद के विचार एक समान हो जाते हैं? पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए? राहुल गांधी ने जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? मित्रों, वहां से नहीं अटकता है। दूसरे ही दिन इनके नेता सैफुद्दीन सोज साहब